शिवसेना ज्वाइन करते ही आया उर्मिला मातोंडकर का पहला स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट में उन्होंने ये बताने के बजाय कि वो पार्टी के लिए क्या करेगी, क्या उनके आगे की प्लानिंग रहेगी, किस तरह से वो पार्टी को कंट्रीब्यूट करेगी, उन सब चीजों के बजाय उन्होंने डायरेक्ट कंगना को अटैक किया और एक बार फिर से कंगना को याद दिलाया कि सबसे ज्यादा ड्रग्स उन्हीं के स्टेट में उगता है और उन्हें वहीं पर झांकना चाहिए कि आखिर ड्रग्स आ कहां से रहा है। आपको बता दें कि कल ही उर्मिला मातोंडकर ने शिवसेना ज्वाइन किया, पिक्चर्स काफी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। उर्मिला मातोंडकर जो कांग्रेस में एक बार इलेक्शन लड़ चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने के साथ साथ पॉलिटिक्स भी छोड़ दी थी, उन्हें हाल ही में शिवसेना की तरफ से इन्विटेशन गया पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए। आपको बता दें कि उससे पहले उर्मिला मातोंडकर ने कंगना रनौत के खिलाफ आवाज उठाई थी सोशल मीडिया पर, जिससे वो काफी सुर्खियों में आई थी। और अब शिवसेना ज्वाइन करते ही उर्मिला मातोंडकर शिवसेना की लैंग्वेज बोलने लगी है। उन्होंने भी कंगना रनौत को टारगेट करते हुए कहा है कि पूरा देश ड्रग्स का अभिशाप झेल रहा है, क्या उन्हें पता नहीं कि सबसे ज्यादा ड्रग्स हिमाचल में ही उगाए जाते हैं। कंगना को अपने घर से ही इसकी सफाई की शुरुआत करनी चाहिए। इनफैक्ट उर्मिला ने यह भी कहा कि कंगना को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, उनको इतनी तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। मुझे मेरे पिछले इंटरव्यूज में भी ज्यादातर सवाल कंगना रनौत पर ही पूछे गए। उर्मिला ने सवाल किया है कि क्यों कंगना के बयानों को या कंगना रनौत को इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है, इतनी इम्पोर्टेंस की जरूरत नहीं है उन्हें। इसके आगे थोड़ी बहुत राजनीति की बात करते हुए उर्मिला मातोंडकर ने कहा है कि शिवसेना में जो उनका काम रहेगा वो ज्यादातर महिलाओं के हित में ही करेगी। अब जहां एक तरफ उर्मिला मातोंडकर कह रही है कि पार्टी में रहते हुए वो महिलाओं के हित में काम करेगी, वहीं कंगना रनौत जो कि महिला भी हैं और बॉलीवुड के तौर पर वो उनकी कलीग भी है, उनके खिलाफ ही एजेंडा छेड़ा है सबसे पहले उर्मिला मातोंडकर ने। पार्टी ज्वाइन की खबर शेयर करते हुए उर्मिला मातोंडकर ने कहा कि किस तरह से उद्धव ठाकरे ने खुद ने उन्हें कॉल करके बताया कि वो ईगर है उर्मिला को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए। तो जाहिर सी बात है उर्मिला मातोंडकर जो कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, वो अब शिवसेना ज्वाइन कर रही है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बॉलीवुड और शिवसेना के बीच एक खास बॉन्ड उर्मिला मातोंडकर साबित हो सकती है। पिछले कुछ समय से जिस तरह से बॉलीवुड की छवि खराब हुई है, फिर भले ही सुशांत सिंह राजपूत मामले में हो, नेपोटिज्म इनसाइडर आउटसाइडर की डिबेट हो या फिर ड्रग्स मामला हो, ऐसे में बॉलीवुड को जबरदस्त सपोर्ट मिल सकता है उर्मिला के शिवसेना में शामिल होने से। क्या लगता है आपको, क्या वाकई में बॉलीवुड को अब शिवसेना का सपोर्ट मिलेगा? वैसे भी बॉलीवुड इंडस्ट्री के काफी एक्टर्स हैं जो शिवसेना के काफी खास है और उनके पुराने रिलेशनशिप्स हैं।